प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों, जहां हम अपने चैनल और पेज पर आपको फिल्मों से जुड़ी जानकारियां देते हैं, पर्दे के पीछे की जानकारियां देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही आज का इंटरेस्टिंग वीडियो है कि गोविंदा की गिफ्ट की हुई शर्ट को जब जॉनी यानी राजकुमार सेट पर नाक पोंछते नजर आए। दोस्तों, क्या है इंटरेस्टिंग कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल या पेज पर नए तो उसे फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता के तौर पर फेमस रहे, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के साथ साथ रंगीन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अपने की छाप छोड़ी। गोविंदा के साथ उन्होंने 35 साल पहले जंगबाज फिल्म की थी। गोविंदा ने उन्हें शूटिंग के दौरान एक शर्ट गिफ्ट की और बाद में राजकुमार ने उसे फाड़कर रुमाल बना दिया। आइए समझते हैं पूरा माजरा। दोस्तों, राजकुमार एक लीजेंड एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही उनकी तुनक मिजाजी की किससे भी कम नहीं है। करीब 5 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता एक लंबी पारी खेली थी। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको लेकर चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। ऐसी ही जानकारी आज हम आपको साझा करेंगे। दोस्तों, मसला ये था कि जब सेट पर गोविंदा ने राजकुमार को एक शर्ट गिफ्ट की और बाद में जानी ने उसको फाड़ कर रुमाल बना लिया। आइए इस वाक्य को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बता दें कि मूवीज में जानी डायलॉग बोलने के लिए राजकुमार को काफी याद किया जाता है। दोस्तों, गोविंदा की गिफ्ट शर्ट के साथ हुआ बुरा सलूक। जंगबाज फिल्म गोविंदा और राजकुमार के करियर की उम्दा मूवीज में से एक मानी जाती है। सन 1989 में आई इस मूवी का निर्देशन मेहुल कुमार ने किया था और हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इस किस्से दिलचस्प किस्से को उन्होंने सुनाया था। उन्होंने कहा था, हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस दिन सेट पर गोविंदा वाइब्रेंट शर्ट पहनकर आए थे। उनकी इस चमचमाती कमीज को देखकर राजकुमार काफी इंप्रेस हुए। गोविंदा की इस शर्ट की उन्होंने तारीफ की। सीनियर अभिनेता की प्रशंसा सुनकर गोविंदा फूले नहीं समाए और उन्होंने अगले दिन वही शर्ट राजकुमार साहब को गिफ्ट कर दी। हैरान करने वाली बात यह रही कि कुछ दिन बाद राजकुमार उसी शर्ट का रुमाल बनवा कर ले आए और वो अक्सर उससे अपने हाथ और नाक पोंछते थे। हालांकि गोविंदा ये देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाए। इस किस्से से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकुमार काफी मूडी किस्म के इंसान थे, लेकिन उससे कहीं अधिक कमाल के अभिनेता भी रहे हैं। जंगबाज में एक दूसरे के दुश्मन बने थे दोनों। फिल्म जंगबाज में गोविंदा ने अर्जुन श्रीवास्तव का किरदार निभाया था, जो जेल की सलाखों को तोड़कर फरार हो जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार वकील कृष्ण प्रसाद सक्सेना के रोल में दिखे थे। मूवी के कुछ हिस्से में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। हालांकि अंत में जाकर एक साथ मिलकर दुश्मनों को सीख सिखाते हैं। राजकुमार और गोविंदा के अलावा जंगबाज में मंदाकिनी, प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंजोंगपा और शक्ति कपूर जैसे अहम कलाकार उसमें नजर आए थे। इस मूवी में एक साथ दिखी थी गोविंदा और राजकुमार की जोड़ी। दरअसल मेहुल कुमार की जंगबाज गोविंदा और राजकुमार की एक साथ ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सन 1987 में मेहुल के डायरेक्शन में बनी फिल्म मरते दम तक में भी वो पहली बार दोनों कलाकारों की जोड़ी नजर आई थी। तो दोस्तों, ये थी गोविंदा और राजकुमार से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ऐसी और वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।